नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। आपसे मुखातिब हूं मैं आशीष नाथ। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में अब साधन संपन्न लोग नहीं जाते। जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं, अगर उनके कोई पारिवारिक सदस्य परिजन बीमार होते हैं तो सीधे निजी अस्पतालों में जाते हैं। निजी अस्पतालों में इसलिए नहीं चले जाते कि उनके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें उन पैसों को खर्च करने की ज़रूरत है, दूसरा कोई काम उस पैसे से नहीं कर सकते, इसलिए जाके प्राइवेट अस्पतालों में दे आना है। नहीं, क्योंकि इतने पैसे हैं कि वो इलाज करवाने पर खर्च कर सके, इसलिए निजी अस्पतालों में जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज एक आश्चर्य है। अभी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को अगर आप माने, और माने क्यों नहीं माने, इसमें हर्ज क्या है मानने में, रिपोर्ट है और रिपोर्ट पूरी जांच पड़ताल के बाद आई है। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि जो सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्यों का, ये इलाज के लिए नहीं है, ये इलाज के गफलत में जान लेने के लिए है। ये सिस्टम ये इलाज के लिए नहीं है, ये आपके नुकसान के लिए। मतलब आपका कोई परिजन बीमार है तो उसकी नाक पर मास्क तो जरूर लगा होगा, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होगा। उसे कोई एक इंजेक्शन जरूर दे दिया जाएगा आपके जाने पर, लेकिन सच ये है कि वो इंजेक्शन जरूरी नहीं था जो दिया गया, और जो जरूरी है वो इंजेक्शन अस्पताल में ही नहीं कि दिया जा सके। डॉक्टर वैसे भी कम मिलते हैं सरकारी अस्पतालों में, डॉक्टर होते हैं, तैनाती होती है, वेतन भत्ता सब उनको मिल रहा होता है, लेकिन उसी शहर में कहीं और प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद होते हैं, अस्पतालों में एक आध लोग होते हैं। ये म्यूचुअल मैनेजमेंट है कि आज तुम बैठ जाना कल हम बैठ जाएंगे, इस टाइप का। बातें तो बहुत हो रही हैं, बच्चे तो मर रहे हैं, बूढ़े मर ही रहे हैं, जवान मर ही रहे हैं। हम आप ये समझते हैं कि भाई अस्पताल तो गए ही, अब बीमारी ही ऐसी थी, मरना पड़ा, या इनकी उम्र ही इतनी रही, वो मर गए, इनको इसी उम्र में चले जाना था। हम आप तो यही समझते हैं, या हमें आपको यही समझा दिया जाता है, और सदियों से हमको आपको यही समझाया जाता रहा है, तो हमने भी मान लिया है कि यही सच है, क्योंकि मर जाना था इसलिए मर गए। ऐसा है नहीं, मरना नहीं, इलाज हुआ नहीं इसलिए मर गए, ज्यादातर अस्पतालों में यही होता। एक रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा करें।
किसी की फिक्र के दायरे में नहीं है, वैसे दावों का जोर जबरदस्त है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी चीज है स्वच्छता, आज उत्तर प्रदेश नंबर वन बन चुका है टॉयलेट, तो ये सब जब चीजें होती हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे आपने अभी देखा जेई एईएस के अंदर देखा, उसके अंदर 67% ड्रॉप हुआ है जो मृत्यु दर है, तो ये सब चीजें आएंगी। मेरे को विश्वास है आने वाले समय में आप अच्छा इसमें सुधार देंगे। उत्तराखंड की हालत वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुकाबले थोड़ी ठीक है, लेकिन पिछले 2 सालों में उत्तराखंड ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रिपोर्ट बता रही है कि 2 सालों में उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल बदहाल होते गए और जिम्मेदार लोग आंखें मूंद कर सोते रहे। हमारे स्वास्थ्य विभाग में संसाधनों की कमी नहीं रह गई है, कमी है तो कुछ डॉक्टरों की कमी जरूर है, जिसकी वजह से अड़चन आती है। हमारा ये कहना है एक जगह पर ट्रीटमेंट न करके डॉक्टरों की कमी होने की वजह से मरीज जब ज़्यादा बीमार किसी जगह हो तो उनको दूर दूर भेज कर ट्रीटमेंट कराया जाए, ताकि कम मरीजों पर ज़्यादा लोगों का फोकस हो सके। लेकिन इन्हीं हालातों में राजस्थान ने अपनी हालत सुधारी है, सुधार भी मामूली नहीं है, बड़े सुधार हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य पर खासा ध्यान दिया और सरकारी अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लायक बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आप चाहें तो अपना कपार पीट सकते हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि भाई रैंकिंग सबसे नीचे आई है उत्तर प्रदेश की, स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा फिसड्डी राज्य है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हाँ फिसड्डी है लेकिन हमने शौचालय बनाए। आम और इमली का फर्क तो है, चाहें तो अपना कपार पीट सकते हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मिले हैं आपको। आज हमारे साथ चर्चा में विनीत शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद विद्रोही हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर आरबी सिंह जी हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हेल्थ हमारे साथ हैं देहरादून स्टूडियो, ये सब लोग लखनऊ स्टूडियो से हैं। देहरादून स्टूडियो से योगेश भट्ट जी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और राजस्थान स्टूडियो से, जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ मानचंद खंडेला जी हैं, आप खंडेला साहब विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। विनीत शुक्ला जी, गर्व करने का विषय है साहब, हेल्थ के मामले में देश में जो इंडेक्स है उसमें सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश, है ना गर्व करने की बात? असित जी देखिए, इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो शर्म करने वाली बात है? नहीं असित जी देखिए, जो हालात पहले शर्म करने वाली बात है असित जी, तमाम सरकारें रही, चाहे वो केंद्र में सरकार किसी की रही हो या राज्यों में सरकार रही हो, बद से बदतर इन लोगों के समय में हालात रहे। विनीत शुक्ला जी कुछ पढ़वड़ के आते तो ज्यादा बेहतर होता। 2015-16 में सुनिए ना शुक्ला जी, अब सुन लीजिए, पढ़ के आते रिपोर्ट तो ज्यादा बेहतर होता ना, चर्चा में ठीक से आप हिस्सा ले पाते। 2015-16 के मुकाबले, 2015-16 के मुकाबले बद से बदतर हो गई अब हालत, तब ठीक थी, आगे आइए। असित जी मैं उसी पे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, जो हालात पहले थे उससे बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और बदतर हो गए हैं, पहले के हालात से बदतर हो गए हैं। नहीं अब रिपोर्ट आप, मैं भी देख रहा हूँ नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट, हम चलाएंगे ना दर्शकों को पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, परेशान मत जी, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, सवाल ही ना खड़े करिए। नहीं तो आप फैक्ट बोलिए ना, बदतर हुए हालात, आप कर्म सुधर रहे हैं, नीति आयोग कह रहा बदतर हुए, आप कर्म सुधर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं ये कह दूं। अभी ये मैं क्या जानूं भाई, कौन सा काम हो रहा नहीं जानते, लेकिन इतने सारे काम हो गए कि चौपट हो गया सब कुछ, इतना काम आपने कर दिया कि बर्बाद कर दिया, सबसे नीचे पहुंचा दिया। आशीष जी बिल्कुल चौपट नहीं हुआ, बेहतरी की तरफ। नीति आयोग झूठ बोल रहा है,
स्वास्थ्य सेवाओं में सही हो रहा, उत्तर प्रदेश में तमाम काम हुए। देखिए पूर्वांचल में बुखार का कितनी बड़ी बीमारी थी वहां गोरखपुर में, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें उन्होंने पहल की, सक्रिय होने के कारण आज वहां पे बुखार का और इसके इलाज के लिए वैक्सीनेशन जो है समय पे शुरू हो गया। आज स्वच्छता के मामले में हम आगे बढ़े। इसका मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट फर्जी है? नीति आयोग आप ही की सरकार का बनाया हुआ, हमारा नहीं है। मैं असित जी, मैं उसको फर्जी नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोई तो एक सच है साहब, या तो आप जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर नीति आयोग जो बोल रहा है वो सच है, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए दोनों तो सच नहीं हो सकती ना। तो मैं क्या नीति आयोग की इस रिपोर्ट को मान लूं कि ये सब कुछ ठप हो गया है, सब बंद हो गया तो है, खारिज कीजिए ना, कहिए नीति आयोग की रिपोर्ट ये खारिज करता हूं ना, ये रद्दी है। कल से सारा इलाज समाचार प्लस में असितनाथ जी के अंडर में होगा? जी नहीं, असितनाथ के अंडर में कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन झूठ बोलने वाले हर दावेदार का इलाज असितनाथ के सामने हो जाएगा। आप कहिए नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, आप कहिए ना, यही कह दीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है। कैसे कह दूंगा, क्यों कह दूंगा भाई? तो आप उसे सच मानने को तैयार नहीं है, और उसका सच यह है कि आप फिसड्डी हैं देश में सबसे ज्यादा। 2015 में जो स्थिति थी उससे बद से बदतर स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो या तो नीति आयोग झूठ बोल रहा है या आप तो छुपा रहे हैं, बोलिए ना। असित जी, जो भी रिपोर्ट आई है मैं उसको कह रहा हूँ, आई है तो सामने है सबके, लेकिन हम बेहतरी के लिए बढ़े, हम सरकार में हैं, हम काम करें जनहित तो में, काम कर ही रहे हैं, बेहतरी के लिए बढ़े, अच्छे से चलाने के लिए आए हैं कि हम इसको बंद करने हम के लिए कह रहे हैं कि आप बेहतरी के लिए ना पढ़े तो बढ़े ना, रोका किसने था, बढ़ना चाहिए था। अरविंद विद्रोही जी साहब कपार पीटे की क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। हेल्थ मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई सबसे नीचे हैं हेल्थ के मामले में आप, पूरे देश में 21 राज्यों में सबसे नीचे आप खड़े हैं रैंकिंग के मामले में, तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा हाँ वो तो है, हमने शौचालय बनवाए। क्या जवाब? असित जी, नीति आयोग की ये जो रिपोर्ट आई है ये विभिन्न बिंदुओं पर है, जिसके आधार पर अफसोसजनक तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर है। अब एक समाज के हर अंग को, एक कार्यकर्ता से मुझसे लेकर के उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब कम से कम ये सोचे कि नीति आयोग की जब अगले वर्ष रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम कुछ पायदान आगे बढ़े, क्योंकि वो कई बिंदुओं पर है, उसका अध्ययन स्वास्थ्य मंत्री जी को अपनी सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन खुले मन से करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। हाँ। नहीं करेंगे तो ये जनता की अदालत जो है में जब वो चुनाव में जाएंगे तो वो क्या, कितने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री ने अभी कहा था कि अगस्त महीने में बच्चों की मौत हो जाती है, और वो ये स्वास्थ्य मंत्री उस मुख्यमंत्री के अधीन में स्वास्थ्य मंत्री हैं जो आज नहीं सांसद रहते हुए 92-93 से जेएस के खिलाफ गोरखपुर से लेकर के सदन तक इस लड़ाई से लड़े। ये स्वास्थ्य मंत्री को पहले समझना पड़ेगा कि हम अपने ही नीति आयोग के अपने ही मुख्यमंत्री की रिपोर्टों को और मंशा को हम नहीं समझ रहे हैं। समझने की नितांत आवश्यकता, स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़ा जिम्मेदार पद है, हम स्वस्थ ही रहे नहीं रहेंगे, हम भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आखिरी पायदान पर रहेंगे तो हमको अफसोस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पहले पांच में होते तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक हर नेता खुश होता। हम तो ये अपील करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से कि आप गंभीरता पूर्वक जो कमियां ये नीति आयोग की अपनी भी, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक कमेटी बनने जा रही है नीति आयोग से रिलेटेड ही, उसको बनावे और उसका इंप्लीमेंट करें जिससे जनता को सुविधा मिले, डॉक्टर आरबी सिंह बेहतर सुविधा मिले। कहाँ कहाँ ऐसी कमियां छूट गई हैं, कहाँ कहाँ हम लगातार फिसलते गए कि आज उस पायदान पर खड़े हैं जिसके नीचे कोई पायदान ही नहीं है। जी ये दुखद स्थिति है। हम नहीं, डॉक्टर साहब से सवाल, आरबी सिंह जी से। जी हाँ, अभी हमारे जो साथी हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कुछ बातें कही, तो मेरा इसमें मानना, पहली बात तो मैं इनके तर्कों से सहमत ही नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़नी तो दूर, और आज के अगर न्यूज़पेपर पढ़ लिए होते उन्हीं में पूरा समराइज किया हुआ है। और विद्रोही जी ने बोला कि हम अंतिम पायदान में, इससे नीचे कहाँ जाएंगे, उतर ही नहीं सकते।
इससे पहले की बात है कि पहली रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश लास्ट पायदान पे था और पिछली रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है नीति आयोग की, इसमें कोई सुधार नहीं आया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये आपका यहाँ एक कैप्शन आ रहा है ये सरकारी अस्पताल मार देंगे, ये प्रासंगिक नहीं है जी। हम यहाँ पे स्वास्थ्य पे विषय में चर्चा करने आए हैं। स्वास्थ्य एक विभाग है, स्वास्थ्य एक फंक्शन है सरकार का, और हेल्थ इज ए स्टेट इशू। ये उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार की पहली जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। ये स्वतंत्र रिपोर्ट है जिनके नामित सदस्य हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को ये मालूम नहीं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि निश्चित रूप से कुछ खामियां हैं। मैं अपने 33 साल के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की सेवा के पश्चात ये अनुभव कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को कंट्रोल कर रहा है वो अच्छा है, वो प्लैंड नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे चैनल में जितने लोग प्रदेश और देश के लोग सुन रहे होंगे, ये ऐसी हालत तब पहुंची है, अंतिम पायदान पे तब पहुंचे हैं, जब कम से कम 1.5 साल से, मैं स्वयं अपने रिटायरमेंट के बाद मैं फॉलो कर रहा हूँ 2 साल से, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य नीति बनी ही नहीं है। ये हास्यास्पद है। केंद्र सरकार ने बना लिया, अपनी 2 रिपोर्टें दे दी, इन 2 साल के दौरान अपना उत्तर प्रदेश सरकार अपनी स्वास्थ्य नीति नहीं बना पाए। अब जिसकी नीति नहीं बना रहे उस पर काम क्या करेंगे? पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं बनी है, जनसंख्या नीति नहीं बनी है। तो यहाँ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती, एक्सीडेंटल मीन्स स्वास्थ्य नीति नहीं बनाए हैं, और एक जो टारगेट फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट भी एक इशू है। ये खाली अस्पताल में बीमार होने वाले मरीजों का या इलाज करने नहीं, का बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पॉलिसी नहीं बनी है, तो हम उस पे अनपॉलिसी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पॉलिसी बनाना अच्छा काम नहीं, देखिए अस्पतालों को दुरुस्त कर देना, वहाँ दवाई पहुँचाना या मरीजों का इलाज करना अच्छा काम नहीं है, वो बस अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं जो उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। न मरीजों को पता है, ना डॉक्टरों को पता है, ना अस्पतालों को पता है, ना लोगों को पता चल पाता है। उनको कुछ पता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, बस आपको मान लेना होगा। असित जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लोकेश भट्ट जी, असित जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवा में कोई काम नहीं हो रहा क्या? आएंगे ना विनीत जी, पूछ लेंगे आपसे क्या क्या काम हुआ है। दवाइयां सस्ती नहीं हुई है, आप 2-4 मिनट में तैयारी कर लीजिए, क्या क्या काम हुआ है बताइए। आपके पास आयुष्मान भारत से लोगों का नहीं हुआ है? अरे ठीक है योगेश जी, तो इस नीति आयोग को कोसिए ना, असित को काहे कोस रहे हैं भाई? रिपोर्ट नीति आयोग की, असित नाथ तिवारी ने थोड़ी रिपोर्ट बनाई है, सारा कुछ खराब हो गया। WHO के साथ मिलके आप ही की नीति आयोग ने रिपोर्ट बनाई, असित नाथ तिवारी ने नहीं बनाई ना, छोड़िए ना। आप जाइए नीति आयोग की गर्दन पकड़िए, मन हो तो उठा के उनको पटक दीजिए, रिपोर्ट उनकी असित नाथ की नहीं है। योगेश भट्ट जी आपके पास आ रहे हैं, तो रिपोर्ट योगेश भट्ट का मतलब ये थोड़ा ना कि काम बंद हो गया, इलाज। अरे तो आप भाई सो रिपोर्ट तो यही कह रहे हैं कि काम बंद नहीं, माइनस में चला गया है। तो रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी सोच पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं। असित कुछ लेके नहीं बैठ गए हैं, असित नीति आयोग की रिपोर्ट लेके बैठे हैं, जो नीति आयोग आप ही की सरकार ने गठित की थी, योजना आयोग का नाम बदल दिया था सिर्फ। योगेश भट्ट जी आपके पास आ रहे हैं, देखिए उत्तराखंड की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है साहब, हालांकि वो उत्तर प्रदेश से काफी बेहतर है। उत्तर प्रदेश 31वें पायदान पर, वो 17वें पायदान पर है, एक छोटा सा राज्य। उत्तर प्रदेश 20वें सर, रुक जाइए ना विनीत जी, दूसरे से सवाल है, आपसे नहीं है सवाल, आपसे नहीं है विनीत शुक्ला जी, आपसे सवाल नहीं है, विनीत जी आपसे नहीं है सवाल, नहीं है आपसे सवाल, योगेश भट्ट जी से सवाल है। योगेश भट्ट जी फिर भी आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश से अच्छी है, 17वें पायदान पर आप हैं, लेकिन 2015 के मुकाबले वहां की भी, उत्तराखंड की भी स्थिति खराब हुई है, काफी नीचे की रैंकिंग आई है उत्तराखंड की भी। तो क्यों सर, ऐसा क्या हो गया 1.5-2 साल में कि वहां भी स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब हो गई? जी मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले, जैसा कि आपने कहा, उत्तराखंड की स्थिति बेहतर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्या हालात हैं, इसके लिए किसी रिपोर्ट की आज आवश्यकता ही नहीं है। जो आपने कहा कि 2 साल में स्थितियां बद से बदतर क्यों हो गई उत्तराखंड में भी, तो मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि स्वास्थ्य विभाग का अपना अलग से कोई मंत्री नहीं है, इतना बड़ा महकमा स्वास्थ्य मंत्रालय, और उसका पूरा
चार्ज मुख्यमंत्री के पास है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय को मॉनिटर करने के लिए, डे टू डे की मॉनिटरिंग के लिए, पहाड़ी राज्य है, विषम परिस्थितियों का राज्य है, उसके मंत्री अलग से होना चाहिए। आज तक 20 साल होने जा रहे हैं राज्य बने हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वास्थ्य का अलग मंत्री नहीं रहा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेल्थ जो है प्रायोरिटी पे कितनी है गवर्नमेंट की, एक विषय। दूसरा यह है कि जो सरकारी सिस्टम है, मेरा अपना मानना है कि हेल्थ कि जो व्यवस्था है वो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अभी जैसे उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सिंह ने भी कहा कि सरकारों ने स्वास्थ्य नीति ही नहीं बनाई, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य नीति नहीं बनी, कमोबेश यही स्थिति उत्तराखंड में भी है कि उत्तराखंड में जो सबसे पहली आवश्यकता है, जो प्राथमिकता किसी भी प्रदेश की या इस राज्य की होनी चाहिए थी, एक स्वास्थ्य नीति बनती। यहां पर आज स्थिति यह है कि महिलाएं सड़क पर जो है बच्चे पैदा करने को मजबूर है, और तो और राजधानी में राजधानी का जो महिला चिकित्सालय है वहां फर्श पर जो है जच्चा और बच्चा जो है दम तोड़ देते हैं, ऐसी स्थितियां जो है प्रदेश के अंदर है। आज स्थिति यह है कि जो उत्तर प्रदेश के जमाने में जो अस्पताल कभी जो है इलाज के लिए एक पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिनका एक रसूख था, दून अस्पताल जैसे अस्पताल, वो बड़े अस्पताल बंद हो चुके हैं। सरकार ने उनको मेडिकल कॉलेज में जरूर कन्वर्ट किया, लेकिन वहां पर आम मरीजों के लिए भी फैसिलिटी नहीं है। और कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि एक नेक्सस काम कर रहा है, जो मैंने कहा ना कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में पेशेंट जाएं, इसलिए सरकारी सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। ये बात सरकार आ रही है। अस्पताल है, के पास आएंगे। अस्पताल है, बड़ी अफसरों की फौज है, अफसर मानचंद अफसरों की बड़ी फौज है, लेकिन हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। मानचंद खंडेला जी हैं हमारे जयपुर स्टूडियो से। खंडेला साहब, देखिए कमोबेश परिस्थितियां तो वही हैं हर जगह की, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, बिहार की हो, भाई वही परिस्थितियां राजस्थान की भी नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान की रैंकिंग सुधर गई है? राजस्थान के लिए वो रिपोर्ट बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि भाई डेढ़ दो सालों में, पिछले डेढ़ दो सालों में काफी अच्छा काम हुआ है, पिछले कुछ दिनों में तो सरकारों ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, और वहां की स्थिति बहुत सुधरी है, आगे काफी सुधरने की संभावना है। हालात तो कमोबेश यही है, राजस्थान में ऐसा क्या हो गया कि उसकी रैंकिंग सुधर गई? खंडेला, देखिए मैं एक जो आपको सैद्धांतिक बात आपसे बता रहा हूं जी। बार बार ये बात आ रही है नीति आयोग की, ये नीति आयोग है ही नहीं है, नीति आयोग है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके आगे जो आयोग लगा रखा है वो फर्जी है। आयोग लगा ही नहीं, या तो वो इंस्टीट्यूट होगा या वो आयोग होगा। अब ये जो पहले वाला जो योजना आयोग था उसके लिए, ऐसा दिखाने के लिए उसको जो है वो आयोग लगा दिया। अब मुझे बताइए ये क्या नीति है? नीति है, आयोग है, इंस्टीट्यूट है, क्या है ये? इसका मतलब जो वो खुद ही गफलत में है तो उसकी रिपोर्ट तो गफलत वाली होगी होगी। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, राजस्थान की आपने बात करी, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो कुछ है वो प्राइमरी स्तर के ऊपर, एक बात तो ये हुई थी जो पिछली सरकार ने भी की थी, उसकी पिछली बार सरकार ने की थी, दवाइयों की संख्या, मुफ्त दवाइयों की संख्या बढ़ाई गई थी, उसके बाद में जांच वहां पर फ्री करी गई थी। और जहां तक मान लो, अगर मेरी बात आप मानेंगे, सबसे बड़ा अस्पताल है राजस्थान का SMS हॉस्पिटल, और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां पर कि वहां के आप जो ऑपरेशन थिएटर है उनको देख लीजिए, और प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशन थिएटर को देख लीजिए। मैं खुलेआम आपसे कह रहा हूं कि वो जो SMS के ऑपरेशन थिएटर है वो ज्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जो है सारे जी के लड़के के यहां पे फुंसी हो गई थी, इसमें बताया था शायद कैंसर हो जाए। मैं किसी व्यक्तिगत डॉक्टर से मिला, उसके बाद में कहा सबसे बेहतरीन इलाज SMS में होगा। मैं वहां पे गया और मुश्किल से एक नया पैसा नहीं लगा, और मैं समझता हूं बेहतरीन इलाज हुआ। अब मैं यहां ये सारी बात इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपने अवधारणा बना रखी है कि सरकारी अस्पताल तो बेकार ही होंगे, और सरकारी अस्पताल बेकार कहां होंगे? अवधारणा बदल दी ना जी। जी तो मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब डेढ़ साल में, देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि यूपी में अवधारणा बदलने वाले नहीं थे, वो वोट बदलने वाले थे, चोगा बदलने वाले थे, अपना भेष बदलने वाले थे, नारे बदलने वाले थे, अवघोषणा करने वाले बदलने वाले थे, बापण करने बदलने वाले थे, और जो कहीं से भी उठाकर और कहीं आपने मंत्री बना दिया वो मंत्री बनने वाले थे, इसलिए वहां कोई कुछ नहीं हुआ। सवाल यार, इतना पैसा जब वहां पे अन्य कार्यों के लिए आ सकता है, इसके लिए क्यों नहीं? अब एक दो प्रश्न अपने से खड़ा करूं मैं, यानी कुल बजट का कितना प्रतिशत यूपी में खर्च हुआ है स्वास्थ्य योजनाओं पर, और जीडीपी का, जो स्टेट की जीडीपी होती है उसका कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? सवाल यार, प्राथमिकता में जो प्राइमरी हेल्थ है वो आपकी है क्या?
प्राइमरी एजुकेशन है क्या? नहीं है। अब आप सवाल ही आएगा क्यों नहीं है, जरा आप गौर से समझने की कोशिश करिए क्यों वो सत्तासीन ये कहते हैं कि हमें इन बातों से वोट नहीं मिलेंगे। हमारे पास में सगुफे हैं, हमारे पास में भाषण देने वाले हैं, हमारे पास में जो भ्रम फैलाने का जो हमारा तरीका है वो हमारे पास में, हम उद्वलित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और हम वोट प्राप्त कर सकते हैं। अब जब वोट प्राप्त कर सकते हैं तो अब जो अमित शाह जी हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यूपी में, मैं संदर्भ की बात करूंगा, वो ये कहते हैं आज की राजनीति जीतने की राजनीति हो गई है। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वक्त होगा खंडेला करेंगे। ठीक है खंडेला साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। दिनेश यादव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, स्वागत है आपका दिनेश जी, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। किसी भी राज्य का सारा काम अकेले मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी राज्य हो, लिहाजा मुख्यमंत्री अपनी एक सरकार गठित करते हैं। सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, कैबिनेट के बाद फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। अलग अलग मंत्रियों के जिम्मे अलग अलग विभागों का काम होता है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का काम सिद्धार्थनाथ सिंह के हवाले है। ये वही सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जिन्होंने गोरखपुर में 200 से ज़्यादा तकरीबन 300 बच्चों की मौत के बाद ये कहा था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। और ये वही सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जब हेल्थ के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ देश भर में, तो कह रहे हैं कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन हमने शौचालय बनाए। क्या जवाब है आप देखते जाइए। 2017 के बयान के बाद भी हेल्थ मिनिस्टर वो बने रहे, उम्मीद है 2019 के बयान के बाद हेल्थ मिनिस्टर वही बने रहेंगे। कई सारी वजहें होती हैं मंत्रालय में बने जमे रहने की, कई सारी वजहें होती हैं। दिनेश यादव जी आपके पास हम आ रहे हैं। मैं देखिए परिस्थितियां कमोबेश हर राज्य की वही हैं जो दो साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की भी है। कोई अचानक भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव किसी राज्य में तो बहुत बड़ा आया नहीं है। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश फिसड्डी पर फिसड्डी होता गया हेल्थ के मामले में, इसकी रैंकिंग लगातार गिरती गई और वहीं राजस्थान ने अपनी रैंक सुधार ली? जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इलाहाबाद से आते हैं, मैं भी इलाहाबाद से आता हूं। बेली अस्पताल में कौन जाता है इलाज कराने? गरीब आदमी। अगर उसको आंख का इलाज कराना है तो इतना रुपया तय है, डॉक्टर तय करता है। उसको कान का कराना तो इतना पैसा जमा करना है। दवाई वहां से मिल नहीं रहे, वितरण हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मिनिस्टर के जिले की मैं बात कर रहा हूं। और यही नहीं, जो पीएससी स्थापित है ग्रामीण क्षेत्रों में और तय हुआ है कि डॉक्टर 6 महीना जरूर रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, वह सीएमएस और सीएमओ द्वारा तय किया गया है। अगर 25 दिन आपको नहीं जाना है तो आपको 15% वेतन का हिस्सा। पूछा उसने क्या काम किया खंडेला, अगर मान लो तमाम फर्जी एनजीओ को बंद किया गया, खत्म किए गए तमाम एनजीओ, फर्जी एनजीओ, उसके बावजूद भी इतने ज्यादा है। आपने जब फॉरेन एड लेने वाले थे ना, उनको आपने बंद किया। ठीक है ठीक है, विनीत, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो भाजपा का हजारों लाख का भयंकर, सुनिए ना विनीत शुक्ला जी, भ्रष्टाचार था। अरे आदरणीय, मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पे बात करता हूँ खंडेला जी, रुक, आदरणीय मैं आंकड़ों के आधार पे बात कर रहा हूँ। अगर जयपुर शहर में, अरे आदरणीय सुन ले, अगर जयपुर शहर में एनजीओ के आधार पर सुधार होने वाली बात होती तो एक दिन में 4 करोड़ रुपए मिलते हैं एनजीओ को। ठीक है, आपने उन्हें बंद कर दिया, प्रारंभ कितना कर दिया? ठीक है ठीक है, ये बताइए जरा विनीत शुक्ला जी, आपने सब बंद कर दिया, सारे करप्शन रोक दिए, फिर भी इंडेक्स तो यही बता रहा है कि निचले पायदान पर है, उसका फायदा क्या मिला? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर 2015 से शुक्ला जी, 2015 के मुकाबले 2019 में आप फिसड्डी साबित हुए तो यही माना जाएगा ना कि इतने सालों के आपके तमाम प्रयोग आपके हेल्थ सेक्टर को चौपट करने वाले थे। विनीत शुक्ला जी, नहीं असित जी, देखिए मैं कह रहा हूं हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम चरमराई हुई व्यवस्था, डॉक्टरों की कमी, संख्या के हिसाब से डॉक्टरों की कमी, पिछली सरकारों में तमाम सरकारें रही ना तो उतनी। अरे भाई 2.5 साल का समय हो गया, अरे 2.5 साल की बात तो बता दें, भर्ती किया
आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कमी है, बीएमएस के लोगों को लगाया जा रहा है, एमबीबीएस की कमी है, लड़के भटक रहे हैं एमबीबीएस एमएसएमडी करके। अगर अब अगर उत्तर प्रदेश में 6000 अस्पताल खुले हुए हैं, रुकिए यादव जी, रुकिए दिनेश यादव जी, दिनेश यादव जी रुकिए, डॉक्टर सरकारी, दिनेश यादव जी रुकिए ना, दिनेश यादव जी रुकिए, अरे दिनेश यादव जी रुकिए ना, रुकिए ना, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उनको पता है, विनीत शुक्ला जी आप पूछ लीजिए उनसे, एमबीबीएस एमडी करके इसी दिल्ली शहर में, हो सकता है आपके लखनऊ में भी हो, प्राइवेट अस्पतालों में नए बच्चे 20,000 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में उन्हें लगाया गया है, साहब रिक्रूटमेंट से किसने रोका था? डॉक्टर साहब मैं सच बोल रहा हूँ ना, एमबीबीएस एमडी के बाद 20-30 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं कि नहीं बच्चे, बताइए इनको। बिल्कुल जी 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 जी, किसने रोका था विनीत शुक्ला जी बहाल करने से? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और डॉक्टरों की क्या, हम डॉक्टरों के सिर्फ, हम डॉक्टर हैं, सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं करेंगे, हम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में एक प्रशासनिक पद पर हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इतने ऑपरेशन थिएटर है, ओटी टेक्नीशियन एक भी नहीं है। मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, अगर शुक्ला जी जो चाहे तो स्वास्थ्य मंत्री से पूछ सकते हैं, एक भी ओटी टेक्नीशियन नहीं है। अब प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सब में मानकों के अनुसार ओटी टेक्नीशियन है, एक उदाहरण है, नर्सिंग स्टाफ 40% है सिर्फ, डॉक्टर्स की 6500 की पोस्ट खाली है, और उसके बाद न पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, न संविदा पे कर रहे हैं, और उनके पता नहीं कौन से नीति खाली रखे हुए हैं, संविदा पर अब निकाले जा रहे हैं, अभी कल अखबार में आया था कि मोदी जी का सब निकाले जाएंगे, संविदा पे रखे जा रहे हैं डॉक्टर साहब, संविदा पे निकाले जा रहे हैं, संविदा पे रखे जा रहे हैं। अरे दिनेश जी सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑनलाइन आएगा तब भरना, कितने डॉक्टर जो है जो नौकरी करना चाहते हैं, खास करके सरकारी मेडिकल कॉलेज से जो लोग निकले हुए हैं, जिन्होंने जो मेरिट से आके एमबीबीएस किया है, वो सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं ना, नहीं मिल रहा साहब, मुझे कई डॉक्टर मैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो 20,000 25,000 30,000 की नौकरी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में सालों साल से प्राइवेट अस्पतालों में पड़े हुए हैं, 6 महीने 8 महीने सरकारी नौकरी 50-60 हज़ार क्यों नहीं कर रहे, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे क्या रिक्रूट करने के लिए? अब बस एक ही जवाब का इंतजार है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी किसी दिन मीडिया के सामने आएंगे और कहेंगे हम तो शास्त्री जी के बनाए हुए गड्ढे भरने में ही 2.5 साल लगे रह गए, क्या विनीत जी शास्त्री जी दोषी हैं इसके लिए, लाल बहादुर शास्त्री? बिल्कुल असित जी ऐसा नहीं है, एक जिम्मेदारी के पद पे हैं और वो मंत्री हैं तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं अगस्त में बच्चे मरते हैं ये वो कह सकते हैं, क्यों आप फीसदी बनाकर हम शौचालय बना रहे हैं, आप कह सकते हैं वो कर क्या सकते हैं, उसकी बात होनी चाहिए ना, तो एक जिम्मेदारी के पद पर बैठ के इतने जिम्मेदार बयान वो देते हैं, तो एक और जिम्मेदार बयान दे दें कि हम तो लाल बहादुर शास्त्री के बनाए गड्ढे भर रहे हैं, अभी उनसे हम जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं साहब, दो जिम्मेदार बयान तो सामने ही है, तीसरा दे दें। नहीं नहीं देखिए असित जी, जिम्मेदारी के साथ ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, उसके लिए काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर काम करना बंद कर दीजिए जिससे घर उसके नहीं जाए, अब उसी आदरणीय काम करना बंद कर दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बंद कर दीजिए, जो घर उसके नहीं जाए, स्टाफ क्या काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करिए, जा नहीं रहा है बीएमएस चल जा रहा है, काम मत कीजिए और फिर हड्डी होते जाइए, बात सही है, कर्मी जा रहे हैं। नाथ जी सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, फिर मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य पे चर्चा हो रही है, आपका कैसन बोला सरकारी अस्पताल मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं कि रिफरल सिस्टम उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, जिसका इलाज पीएससी सीएससी छोटे जिला अस्पताल में हो जाना चाहिए, वहाँ पे मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए इतनी लाइन राममोहन लोहिया बलरामपुर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लग रही है, यहाँ पे ये भीड़ लगनी ही नहीं चाहिए, 100 किलोमीटर से मरीज आके यहाँ क्यों दिखा रहा है, उस प्राइवेट वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखा रहा? दूसरा, जहाँ तक प्राइवेट बात है, स्टेट हेल्थ मैटर है, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं देना, और ये मालूम है, ये सर्वविदित है कि सिर्फ सरकारी सिस्टम, मैं तो सरकारी में रहा हूं तब भी मैं इस मुगालते में था कि सरकारी सिस्टम संभाल सकता है, लेकिन सिर्फ 60% चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक को सरकारी सिस्टम दे सकता है, 40% प्राइवेट सिस्टम में जाना ही पड़ेगा, इसीलिए पीपीपी मॉडल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, एनएचएम ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो टर्शरी केयर है, एडवांस मेडिकल सर्जिकल सेवाएं हैं, वो रिफरल हॉस्पिटल, मंडल अस्पताल, जिला अस्पताल भी हम नहीं कहते, और मेडिकल कॉलेज ही देंगे,
और यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ, दो विंग है, एक हमारा दाहिना है एक बायां है, बाएं को पता नहीं दाहिना क्या कर रहा है। मेडिकल जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है वो स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एकदम अलग है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो पैदा कर रहे हैं और ये इम्प्लॉय करना है, इनको कितने इम्प्लॉय करना है पता नहीं, उनको कितने पैदा करना है पता नहीं। और उसके बाद ऐसे ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं जो सरकारी सेवा में आने नहीं चाहते, तो कमी बनी रहेगी, नीति में कमी है। 1 करोड़ का डॉक्टर बन के MBBS आज भी पेपर में था और 50,000 की नौकरी सरकार नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही डॉक्टरों की कमी, 20,000 की नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है बेचारा, जो की गलत है। जो प्रबंधन की कमी है, प्रशासन की कमी है, एक आधा दर्जन मंत्री हमें नहीं चाहिए, एक मंत्री चाहिए जो चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा और एक मंत्री ऐसा हो जो कम से कम ये ना कहे कि अगस्त में बच्चे मरते हैं और पूछा जाए कि आप फिसड्डी क्यों है हेल्थ के मामले में, तो ये ना बताने लगे कि हम शौचालय बना रहे हैं, वो कम से कम अपने डिपार्टमेंट की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत शुक्ला जी, दिनेश यादव जी, अरविंद विद्रोही जी, डॉक्टर आरबी सिंह जी, योगेश भट्ट जी और मानचंद खंडेला जी। उत्तराखंड में कोई स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से अब आप ये उम्मीद करें कि वो किसी दिन आएंगे मीडिया के सामने और कहेंगे देखिए हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, लाल बहादुर शास्त्री जी हमें कुछ करने ही नहीं देते, हम तो उनके बनाए गड्ढे भरने में ही लगे रह गए, वरना हम सब कुछ कर देते, शास्त्री जी ने रोक दिया इसलिए खुद गड्ढे में हम चले गए हैं। अब यही इंतजार कीजिए, ये बयान आना उनका बाकी रह गया है। मैं फिर कहूंगा, अकेला किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग विभाग के मंत्रालय होते हैं और ये जरूरी है उस मुख्यमंत्री के लिए भी, ये जरूरी है राज्य की जनता होने के नाते आपके लिए भी, चाहे आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, उत्तराखंड के नागरिक हों, राजस्थान के नागरिक हों, बिहार के नागरिक हों, मध्य प्रदेश के नागरिक हों, मंत्री पर दबाव जरूर बनाइए कि आप मंत्री सत्ता भोगने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। हमारे पैसों से आप वेतन और सुविधाएं पाते हैं, फोकट में नहीं आता, बड़ी मेहनत से हम पैसे कमा के आपको दे रहे होते हैं, इसलिए काम कीजिए साहब, शास्त्री जी और नेहरू जी रोकने नहीं आ रहे काम करने से। नमस्कार।